तो आज हम सूजी और ब्रेड का बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाएंगे और इस नाश्ते को हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताएंगे और आप इस नाश्ते को झटपट से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी देंगे तो बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाना भी पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी को हमने झटपट से कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए एक बाउल लेंगे और इसमें हमें लेना है 5 चम्मच बारीक वाली सूजी। तो इस रेसिपी में आप सूजी मोटी बारीक आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप वही सूजी का इस्तेमाल इस रेसिपी में कर सकते हैं। 5 चम्मच हमने सूजी ली है तो 4 छोटा चम्मच हम लेंगे इसमें दही और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। जिस कटोरी से हमने दही लिया था ना उसी कटोरी में हम थोड़ा सा पानी लेके इसमें डालेंगे, तो एकदम से नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि सूजी को हमें फुलाना है तो इसमें हमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा अभी ये गाढ़ा है तो अभी हमें इसमें थोड़ा और पानी लगेगा, तो थोड़ा सा और हम इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा ही पानी डाल के मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे फूलने के लिए 10 मिनट तक इसी तरह से रख कर छोड़ेंगे। फिर हम 10 मिनट बाद इसे चेक कर देखेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है। अभी हमें इसमें और भी चीज़ें ऐड करना है तो 1 चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे और यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं इसे भी हमें थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ मैंने थोड़े से कॉर्न डाले हैं, ये फ्रोज़न कॉर्न है, और थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर डाले हैं, और यहाँ मैंने अंकुरित वाले चने लिए हैं, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं, इस नाश्ते का टेस्ट बढ़ा देते हैं। और थोड़े से ही फ्रोज़न मटर डाल दिए हैं हमने इसमें, और थोड़ा सा हमने हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपके घर पर जो भी वेजिटेबल्स हो आप इस रेसिपी में उसे डाल सकते हैं और जो ना हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इस टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाना है। तो यहाँ हमारी सूजी की स्टफिंग तो बनकर तैयार है। अब यहाँ मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं क्योंकि यहाँ हम सूजी और ब्रेड का नाश्ता बनाने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। तो एक हमने यहाँ पर पैन लिया है, इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, आप घी या बटर भी इसमें ले सकते हैं। और गैस की फ्लेम को अभी हमने ऑन नहीं करा है, पहले हम ऑयल डालकर जो हमने सूजी की स्टफिंग बनाई है इसे हम अच्छे से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, बस बीच बीच में हमें इस तरह से फैला देना है ताकि ब्रेड का स्लाइस इस पर आ सके। तो इस तरह से हम फैलाएंगे सूजी की स्टफिंग को। फैलाने के बाद अब गैस की फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर अब हम इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड का स्लाइस। हमें सूजी की स्टफिंग के ऊपर ही ब्रेड की स्लाइस को रखना है और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखनी है। अब 2 चम्मच हम स्टफिंग में पानी डालेंगे ताकि हम ऊपर से इसका घोल डाल सकें। हम ज़्यादा पतला घोल नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 ही चम्मच हमने इसमें पानी डाला है। अब जो हमारी ब्रेड का स्लाइस है ना इसके ऊपर हमें डालना है टोमेटो केचप, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब जो हमारी जो सूजी की स्टफिंग में 2 चम्मच हमने सिर्फ पानी डाला था ना वो डालकर अच्छे से हम इसके ऊपर फैला देंगे क्योंकि हमें ब्रेड को बिल्कुल कोट कर देना है सूजी के बैटर में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है ना प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और स्टफिंग जो हमने फैलाया था ना पूरी हम इसके ऊपर कोट कर देंगे 1 चम्मच की हेल्प से, या फिर स्पैचुला की हेल्प से भी आप इसको बिल्कुल साइड कॉर्नर से भी दबा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी ब्रेड बिल्कुल स्टफिंग में कोट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, एकदम नई रेसिपी है, आपके घर में ये रेसिपी सभी को बहुत ही पसंद आएगी और बच्चों के अगर आप ये टिफ़िन बॉक्स में देंगे ना तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी और बच्चे आपसे हर रोज़ इस टेस्टी मज़ेदार से नाश्ते की डिमांड भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ब्रेड को बिल्कुल कोट कर दिया है अच्छी तरह से सूजी की स्टफिंग में और ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होता है, बहुत ही क्रिस्पी सा लगता है बनने के बाद। तो सूजी की स्टफिंग में ब्रेड को हमने पूरी तरह से कोट कर दिया है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, ब्रेड अच्छे से कोट हो चुकी है। तो एक साइड से अच्छा कलर आने तक हम इसे कुक होने देंगे
और ऊपर से आधा चम्मच ऑयल डाल देंगे, क्योंकि जब इसे हम फ्लिप करेंगे ना तो दूसरे साइड भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो हमें इस तरह से इसे फ्लिप कर देना है, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल स्लो ही फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ मैंने फ़्लिप कर दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब दूसरे साइड से भी हम इसे अच्छे से कुक होने के लिए रखेंगे 5 मिनट तक। इसी तरह से बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें रखना है और बीच बीच में चम्मच से दबाते हुए हम इसे सेक लेंगे। और जैसे ही दूसरे साइड भी अच्छा सा कलर आ जाता है ना, तो हम इसे फ़्लिप कर देंगे, क्योंकि हमें इसे दोनों ही साइड से अच्छे से क्रिस्प होने तक ही सेक लेना है। और दोनों ही साइड से जैसे ही अच्छा सा क्रिस्प हो जाता है, अच्छा सा कलर आ जाता है ना, तो इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक ही ब्रेड का नाश्ता इतना हेल्दी इतना टेस्टी बनता है कि एक ही नाश्ते में आपका काफ़ी पेट भर जाएगा, क्योंकि ये इतना टेस्टी होता है और इतना हेल्दी होता है। और इस नाश्ते से आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, क्योंकि ये इतना टेस्टी हेल्दी क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं, देखने में आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इस टेस्टी नाश्ते को हमने सूजी और ब्रेड से बनाकर तैयार करा है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप एक बार इस टेस्टी नाश्ते को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी इस टेस्टी मज़ेदार से हेल्दी नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी।